अली बेटा घंटी बजाओ। तो जनाब अकबरी, आपके वालिद साहब अभी तक अपनी ड्यूटी पर ही हैं लगता है। शायद हम उनकी मुलाकात से शर्फयाब नहीं हो पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरोज पीर 28 सितंबर, तकरीबन आधी रात, मैंने बाबा को ख्वाब में देखा और अपने दिल की सारी बातें कह डाली कि आपको अपने बेटी की ज़रा भी फिक्र नहीं है। मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, मेरा कोई सरपरस्त नहीं, मैं तन्हा रह गया हूँ। उन्होंने कहा, बाबा आपने सच कहा है ना? हमें मालूम नहीं था, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। यकीनन शुहदा अल्लाह के नज़दीक बख्शिश याफ्ता हैं। तुमने बताया कि अभी स्टूडेंट हो? जी हाँ। ठीक है, तुम जानते हो आजकल इक्तसादी हालात के पेश नज़र मसाइल हैं, लेकिन शादी के लिए कम से कम इब्तदाई ज़रूरियात ज़िंदगी तो फराहम करना लाज़मी होता है। जी अलबत्ता, मेरी पढ़ाई का ये आखिरी साल है और मेरी फील्ड की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। जी वालेकुम सलाम, आप कौन? एक मिनट। जी जी एक मिनट, माजरा ज़रूरी कॉल है। जी फरमाइए, जैसा आप चाहें। मैं क्या कह सकती हूँ आका, बस आपको जहमत होगी। आप कहाँ हैं, कौन सी गली? मोहतरमा, क्या कोई हादसा हो गया? नहीं नहीं, बस हमारे एक मेहमान यहाँ आ रहे हैं। आपके मेहमान और यहाँ? यहाँ का पता क्या है? शहीद उम्मीदी स्ट्रीट, मकान नंबर 5। जी मोहतरम भाई, शहीद उम्मीदी स्ट्रीट, मकान नंबर 5 आपके मुंतज़िर हैं। कल रात तुम्हारे रिश्ता इज़दवाज के लिए मेरा दोस्त आएगा जो तुम्हारा सरप्राइज बनेगा। परेशान मत होना अली जान। Thank you.
توصیه همه رزمندگان اسلام علل خصوص عزیز دلمون حاج قاسم سلیمانی صلوات بفرست. کل رات میں نے بابا کو خواب میں دیکھا تھا اور ان کی باتوں کو بطور ثبوت یہاں لکھ بھی لیا تھا تاکہ جب میں شکایت کروں تو میرے پاس ثبوت بھی ہو اور میں اسے بھول بھی نہ جاؤں. لیکن اب یہ وعدہ کبھی نہیں بھولے گا. میرے بیٹا یہ باتیں ہمارے درمیان ہی رہیں تو اچھا ہے. اللہ حافظ.